वक्त नेरुल के सेक्टर 17 में खड़ा हूँ। दरअसल बात यह है कि मौसमी बीमारियों का जो सिलसिला चल पड़ा है, एक के बाद एक कई बीमारियां पैर पसारती जा रही है। इस बारे में जब हम लोगों ने एक पड़ताल की तो इससे पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जो इसके शिकार हो चुके हैं। उनमें एक मिस्टर प्रशांत कुमार सिन्हा है, जो कमिश्नर साहब हैं यहाँ के, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट। उनके घर पे आया तो ये पता चला कि ये अपने खर्च से ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस बारे में उनके एक पड़ोसी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आप साहब अपना नाम बताइए। इस्माइल फोटकर नाम है मेरा, और हमारे यहाँ पे मच्छर बहुत काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए हमारे सिन्हा साहब ने काफ़ी सहयोग किया है। जो मशीनें मंगाई हैं और हर सैटरडे संडे वो शाम के वक्त इसको मारते हैं। इस मशीन के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि बीएमसी का जो मशीन है वो और ये इसमें काफी अंतर है। ये पहले तो कॉम्पैक्ट मशीन है, और बीएमसी की जो मशीन लेके आते हैं वो बहुत ज्यादा पैमाने पे वो लोग यूज करते हैं, लेकिन ये पर्सनल यूज के हिसाब से ये मशीन कन्वीनियंट है और ज्यादा शोर नहीं मचाती है, बहुत ज्यादा ये नहीं होता है। उसके अंदर जो दवाइयाँ डाल दी जाती है, अब वो इंसेक्ट मच्छरों को मारने के हिसाब से ये बराबर है। मेरा मतलब ऐसा है कि अगर आप बता रहे कि कॉम्पैक्ट है और बीएमसी की मशीनों से ये अलग है, तो क्या अलग है इस बारे में आप कुछ बताएंगे? अलग वो ये बहुत डीजल से चलती है, और इसमें जो दवाई डालती है डेल्टा फोक्स करके दवाई है, आप देख रहे सामने है, तो ये दवाई डाल के इसको यूज करते हैं। और आपने भी अभी चलते वक्त देखा है इसको कि ज्यादा बहुत शोर वगैरह ऐसा, बच्चे घबराते वगैरह नहीं है इससे। अब मैं बात करता हूँ मिस्टर पुजारी से, जो इस मशीन के मास्टर हैं और ये इस मशीन को हर तरीके से चलाना जानते हैं। हाँ, मतलब ये क्या है, बहुत अच्छा मशीन है। मतलब हम लोग मारने जाते हैं, बहुत सारे मच्छर उड़ के जाते हैं। जिस रास्ते से हम लोग मारते हैं वहाँ मच्छर बहुत सारा मतलब भागते हैं, और जो बीएमसी का मशीन है तो उसमें बहुत शोर होता है, बच्चे घबरा के भाग जाते हैं, और बाकी का मच्छर भी उतना उड़ते नहीं। बाकी ये जो मशीन है, ये सब जो दवा है बहुत अच्छा दवा है, ये सब हम लोग डाल के और जो डीजल में मिक्स करके मारते हैं, मतलब बहुत अच्छा है। आप इस मशीन को चलाने का पूरा तरीका बताइए। चलाने का क्या है, ये इधर देखिए, एक मतलब ये नीचे डीजल है, इसको ऐसे हम घुमाते हैं, फिर यहाँ से पीछे इसका जो लाइटर सिस्टम है इसको यहाँ से हम चालू करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए एक लाल कलर का बटन, मतलब वो लाइटर के लिए यूज करते हैं, देखिए चालू। आपने देखा इस मशीन का कमाल, ये वाकई बीएमसी के मशीनों से अलग थलग है और ये काफी अच्छा है, कम खर्च में और अच्छा परिणाम देने वाला मशीन है। सेक्टर 17 में हूँ, और यहाँ मच्छरों का जो प्रकोप बढ़ा हुआ था, मच्छरों का सफाया करने के लिए हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं कस्टम डिपार्टमेंट के, प्रशांत कुमार सिन्हा जी, हम उनसे बात करते हैं, चूंकि इन्होंने कम समय में काफी इलाके का के मच्छरों का सफाया किया है। ये कैसे किए हैं और उस पर इनका शोध क्या है, इस बारे में हम जानते हैं प्रशांत कुमार सिन्हा जी से। सर, आप इस प्रक्रिया में कब से लगे? इस प्रक्रिया में लगभग 1.25 साल हो गया मुझे। पिछले साल मैं दिल्ली गया था 15 अगस्त को, और वहाँ मेरी वाइफ को थोड़ा फीवर आया, तो नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ आ गए। जब यहाँ हम लोगों ने टेस्ट कराया तो पता चला कि डेंगू है, प्लेटलेट काफ़ी कम है, तो हमने यहाँ जरना हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया,
और प्लेटलेट लगातार गिरता चला गया और रात में उनको इंटरनल हेमरेज होने की वजह से उनका ध्यान हो गया, जिससे हम लोग बहुत आहत हुए। अब पूरे परिवार की इतने आहत हो गए कि हम लोगों ने सोचा कि भाई इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाए। फिर दूसरे तीसरे दिन ही हमारे बच्चों को भी डेंगू डिटेक्ट हो गया और हमने उनको लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया। लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं डॉक्टर बसंत दारवेकर, उन्होंने मुझके बारे में काफ़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डेंगू में क्या होता है और डेंगू कैसे होता है और डेंगू में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो जो बातें मुझे बताई वो मैं सब लोगों को बताता हूँ। और भी हमारे जैसे यहाँ डॉक्टर शालीन दुबे करके हैं अपोलो में और डॉक्टर सुकुमार राजीव हैं फोर्टिस में, इन लोगों के साथ संपर्क में मैं रहता हूँ और इन लोगों से जो जानकारियाँ लेती हासिल होती है वो लोगों को कंसल्टेंसी के तौर पर बताता हूँ। तभी मुझे एक मिनी फॉग मशीन के बारे में पता चला। बीएमसी वाले जो मारते हैं फॉग, उसमें केवल धुआं होता है, किरासन तेल रहता है और धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, तो थोड़ी देर में उसका फॉग का असर कम होने के बाद वापस आ जाते हैं। मैंने सोचा कि इनको समूल नाश करने के लिए कोई ऐसा फॉगिंग मशीन मिले जिससे कि शायद इसका नाश हो जाए और मैं कॉलोनी के सारे लोगों को इससे सुरक्षित कर सकूँ। तो मैंने ये मशीन जब मुझे मिला तो इसको मैंने इसमें दवा मिक्स करके मैं मारना शुरू किया। मैंने देखा इसका परिणाम काफ़ी अच्छा है, मच्छर इससे मर जाते हैं। और एक हफ्ते में मारने के बाद 3-4 दिनों तक मैंने ये देखा, जिस दिन मारता हूँ 3-4 दिनों तक मच्छर का प्रकोप नहीं रहता है। क्योंकि मच्छर है कि अगल बगल के सोसाइटी से भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने अगल बगल के सोसाइटी को भी इसके दायरे में लिया ताकि वहाँ भी मैं मच्छर मार सकूँ। और सैटरडे संडे 2 दिन का कार्यक्रम रहता हूँ, एक दिन अपने कॉलोनी में और एक दिन आस पड़ोस की कॉलोनियों में, जिससे कि मच्छर का खिलाफ थोड़ा लड़ने में हम लोग को फायदा है। मेरे दोस्त इस्माइल फोटकर हैं, बेसानपाड़ा से आते हैं, पुजारी सिंह हैं, ललन एरोली से आते हैं, कुछ कॉलोनी के लोग हैं, खान साहब हैं और सुनील सैनी हैं, इस तरह से कई लोग जो हमारे साथ हमारे साथी हैं इसमें जुड़े हुए हैं। प्रोफेशनल कुरियर के डायरेक्टर हैं अब्राहम साहब, वो आज उनके बेटे की शादी है इसलिए वो नहीं आ पाए। तो वही सब काफ़ी हम लोगों को साथ में मिलकर हम लोग अभियान चलाते हैं। मोस्टली हम लोग आमतौर पर शाम के समय चलाते हैं जिसमें मच्छर बाहर आते हैं, उसमें मच्छर का मतलब ज़्यादा नाश होता है। और मैं अगर यहाँ से लेकर मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ तो झारखंड में भी मच्छर काफ़ी है, तो वहाँ से भी लोगों को सबको पता है कि मेरी पत्नी का देहांत हुआ था डेंगू से, इसलिए वहाँ से भी लोग किसी को डेंगू होता है वो लोग मुझसे कंसल्टेंसी करते हैं कि डेंगू में क्या क्या किया। तो मैं आपके जरिए मीडिया के जरिए बताना चाहता हूँ कि डेंगू में सबसे बड़ा चीज़ है शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन करना। इसमें बहुत हाई फीवर हो जाती है जिससे बॉडी में का डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी की कमी हो जाती है और प्लेटलेट काफ़ी नीचे जाता है। तो प्लेटलेट डेंगू उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पानी ज़्यादा ज़्यादा लिया जाए। अब प्लेटलेट क्योंकि खून का पार्ट होता है इसलिए उसके लिए इसमें आयरन की चीज़ ज़्यादा है, जैसे अनार है, एप्पल है, तरबूज है, ये सब चीज़ें, गाजर का जूस है, ये सब चीज़ों के जूस ज़्यादा लिया जाए और प्लेटलेट का भी स्तर थोड़ा कम गिरेगा। और पानी ज़्यादा ज़्यादा पीने से क्या होता है कि ये डेंगू का कीड़ा जो भी होता है यूरिन का जल्दी जरिए ज़्यादा फ्लश आउट होता है। तो जितना ज़्यादा यूरिन होगा, डॉक्टर बसंत नारायण ने मुझे बताया कि इनपुट और आउटपुट देखना बहुत जरूरी है, आप कितना पानी का इंटेक लेते हैं और कितना आउटपुट हो रहा है। अगर 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो कम से कम 1.5 लीटर बाहर निकलना चाहिए, जितना ज़्यादा यूरिन होगा तो ज़्यादा फ्लश आउट होगा, 0.5 लीटर बॉडी में एब्जॉर्ब। इस तरह से पानी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए और निकलना भी चाहिए, बॉडी का हाइड्रेशन ही मेंटेन होना चाहिए। और जब प्लेटलेट एक बार डेंगू का कीड़ा पूरी तरह से फ्लश आउट हो जाता है तो फिर प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बार प्लेटलेट बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब आप उस बीमारी से रिकवर कर गए, फिर आपको संभलने में ज़्यादा आसानी होती है। और जब प्लेटलेट पूरी तरह से कम हो जाता है तो डॉक्टर साहब ने बताया पूरा बॉडी हमारा एक चलनी के समान हो जाता है कि आप ऊपर जब प्लेटलेट भी चढ़ाएंगे तो वो चलनी के समान नीचे गिर जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए उस हेमरेज में से सिचुएशन होती है। इसलिए हेमरेज से बचने के लिए हमको ये है कि प्लेटलेट मॉनिटरिंग किया जाए, रेगुलर चेकअप हो और हाइड्रेशन मेंटेन किया जाए। इसके लिए जरूरी है अच्छे हॉस्पिटल में जाए और उस हॉस्पिटल में जहाँ इन हाउस लाइफ की फैसिलिटी। मैंने तेरना हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को एडमिट किया था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ इन हाउस लेबोरेटरी नहीं है, जिसकी वजह से टेस्ट रिपोर्ट थोड़ा लेट आता है। टेस्ट रिपोर्ट लेट आने की वजह से आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं मालूम पड़ती स्थिति, आप प्लेटलेट लेट चढ़ाते हैं जिसकी वजह से आप समय हाथ से निकल जाता है और इंसान की जान भी चली जाती है। सिन्हा साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डेंगू के मच्छर होते कहाँ हैं और किस तरह होते हैं? डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में होता है,
मलेरिया का मच्छर और कोई मच्छर आपको गंदे पानी में होगा, नाली जहाँ गंदगी रहेगी, लेकिन ये 24 घंटे के जहाँ पानी जमा रहता है, रनिंग वाटर में नहीं होता है। जैसे कि गमले के नीचे प्लांट में हम लोग फेंगशुई प्लांट वगैरह रखते हैं, गार्डनर रखते हैं, या बर्तन में पानी जमा हुआ है, या कोई टॉयलेट से 3-4 दिनों से फ्लश नहीं हुआ है, या फिर बर्तन में पानी जमा है, घर में कोई पूजा का लोटा है उसमें पानी जमा है, पुराने टायर है उसमें पानी जमा है, नारियल के खोपड़े हम लोग फेंक देते हैं वो पड़ा हुआ उसमें पानी जम गया, या गटर के ऊपर ढक्कन में पानी जमा हुआ है, उन सब चीज़ों को लेट हो। हमें मौसमी बीमारी में ये देखना है कि पानी कहीं जमा ना, सबसे बड़ी चीज़ है पानी कहीं जमा ना। और जो पानी हमेशा अगर रनिंग होता रहेगा वहाँ से हम हटाते रहेंगे या चेंज करते रहेंगे तो अच्छा होगा। आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के जरिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी ने जो एक स्वच्छता अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान, वो भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम साफ रहेंगे जगह को जहाँ हैं हम, या आप देखेंगे हमारा कुत्ता भी कहीं बैठता है तो वो भी जगह को साफ करके बैठता है, तो इस तरह से आप जहाँ रहते हैं उस जगह को साफ रखिए। आपका घर ही आपका मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गुरुद्वारा है, जैसे आप मंदिर मस्जिद को साफ करते हैं वैसे घर को साफ रखिए और अपने आप को साफ रखिए, और गंदगी नहीं जमा होगा, पानी नहीं जमा करेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और सफाई रखेंगे तो मच्छर अपने आप ही नहीं आएगा, हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा, कॉलोनी स्वच्छ रहेगा, घर स्वच्छ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। जो नरेंद्र मोदी नारा दिया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये बिल्कुल इसमें आप स्वच्छ रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा इस इलाके में भी सिन्हा साहब ने काफी फॉगिंग किया, जिसका असर अभी भी दिख रहा है, कोई भी मच्छर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा ये हमेशा करते आ रहे हैं, और इनके साथ जो सहयोगी हैं, पड़ोस के लोग हैं, सभी लोग इनके साथ हैं। और मैं आप मुंबई करों से और नई मुंबई के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी इनके अभियान से जुड़े।